हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते ही है, हमारी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की सीरीज़ चल रही है, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे व्हाई थ्योरीज फेल। इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि बहुत सारी ऐसी थ्योरीज होती है जो कि मैनेजर्स क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं, तो वो जब अप्लाई होती है तो वो क्या हो जाती है, वर्क नहीं करती है। तो वही आज हम रीज़न देखेंगे कि जो थ्योरीज होती है वो एक्चुअली फ़ेल क्यों हो जाती है। तो इसके बेसिकली 5 रीजंस होते हैं, तो आज हम ये पांचों रीजंस अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, फर्स्ट है लैक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्योरी। मतलब कोई थ्योरी बना तो दिया है मैनेजर, लेकिन क्या उसको उसके बारे में नॉलेज बिल्कुल भी कम है, बिल्कुल भी समझ लीजिए नहीं है। बस थ्योरी बना दिया, लेकिन उसको समझ नहीं पा रहा है वो थ्योरी को कि एग्जैक्टली उस थ्योरी में कैसे वर्क करना है, वो थ्योरी कैसे अप्लाई करनी है। तो जिस वजह से थ्योरी का जब वो अप्लाई करता है तो वो वर्क अच्छे से नहीं कर पाती और वो फेल हो जाता है। सेकेंड है नो कंसिडरेशन गिवन फॉर सिस्टम इफेक्ट। क्या होता है, जब भी कोई सिस्टम इफेक्ट, मान लीजिए आया कोई इफेक्ट उस थ्योरी का हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ा, तो अगर उससे कोई भी नुकसान होता है तो उसके लिए कोई भी कंसिडरेशन नहीं दी जाती है। थर्ड है लैक ऑफ स्पेसिफिक एप्लीकेबिलिटी ऑफ अ थ्योरी। लैक ऑफ स्पेसिफिक एप्लीकेबिलिटी ऑफ अ थ्योरी मतलब जो भी थ्योरी है उसका सही से एप्लीकेशन, मतलब अप्लाई हम लोग अपने वर्क में नहीं कर पाते हैं कि कब कौन सी थ्योरी किस जगह अप्लाई करना है, वो मैनेजर को अगर नहीं पता होता है तो जिसकी वजह से भी क्या हो जाती है, थ्योरी फेल हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। ज़रूरी नहीं है कि जो थ्योरी बने वो हर जगह, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक फील्ड में यूज़ हो, तो जिसके वजह से भी क्या हो जाती है, बहुत थ्योरी फेल हो जाती है। सपोज़ करिए मैनेजर को एक थ्योरी बना दिया, अब वो चाहेगा प्रोडक्शन में भी, सेल्स में भी, हर जगह वही थ्योरी अप्लाई हो, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह वो थ्योरी अप्लाई हो, जिस वजह से अगर वो थ्योरी वो अप्लाई करके कोई भी वर्क करेगा तो वो काम ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रॉन्ग थ्योरी। सपोज़ करिए कि क्या किया, वो थ्योरी तो बनाया लेकिन वो क्या कर दिया, उस थ्योरी का गलत जगह यूज़ कर दिया, या वो फिर गलत थ्योरी ही बना दिया, तो जिसके वजह से क्या होती है, हमारी थ्योरीज़ वर्क नहीं करती और हमारा काम गलत हो जाता है। होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। PDF के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा Gmail और Paytm नंबर दिया है, उस पर 15 रुपीज़ पर चैप्टर के हिसाब से आप ट्रांसफ़र करके उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे Gmail पे सेंड कर दीजिएगा। विद इन 1 आवर्स आपको उसी Gmail पे आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।